मराठा साम्राज्य का चौंडी गांव। गांव के पाटिल थे माणकोजी राव शिंदे। थे तो गांव के पाटिल, पर आर्थिक स्थिति एकदम खस्ता थी। कई परेशानियों का सामना करके परिवार का जैसे तैसे पालन किया करते थे। 31 मई सन 1725 को इन्हीं माणकोजी राव शिंदे के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया अहिल्या। कन्या को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। धीरे धीरे उस कन्या की चहचहाहट पूरे घर में गूंजने लगी। देखते ही देखते अहिल्या बड़ी होने लगी। एक बार मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर पुणे जाते समय इसी चौंडी ग्राम में विश्राम के लिए रुके। वहीं ग्रामवासियों से चर्चा करते हुए मल्हार राव जी ने अचानक एक छोटी सी सुमुखी कन्या को मंदिर जाते हुए देखा। देखते ही जैसे वह उसके मोह पाश में बंध गए। संध्या के समय जब उसी बालिका को मंदिर में शिव स्तुति करते हुए सुना, तब तो जैसे उनके हृदय में वात्सल्य का सागर ही उमड़ आया। उन्होंने तत्काल उसके बारे में पता किया तो ज्ञात हुआ कि वो ग्राम पाटिल माणकोजी शिंदे की पुत्री अहिल्या है। वो छोटी सी अहिल्या साधारण नयन नक्श वाली एक कन्या थी, किंतु उसके चेहरे का तेज अत्यंत प्रभावशाली था। पुत्र खंडे राव के लिए मल्हार राव जी एक कन्या की खोज कर ही रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे उनकी खोज पूरी हो गई हो। देर न करते हुए उन्होंने तत्काल माणको जी को बुलवा भेजा और उनसे अहिल्या का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। एक क्षण के लिए तो माणको जी मूर्तिवत हो गए। ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर ने आशीषों की वर्षा ही कर दी हो। बेटी के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात भला और क्या होती। सब कुछ शुभ ही शुभ था, इसलिए जल्दी ही विवाह भी हो गया। अब अहिल्या होलकर राजघराने की राजवधू बनकर इंदौर आ पहुंची। अहिल्या के आने से मल्हार राव बड़े प्रसन्न रहते। छोटी सी अहिल्या को वो अपनी पुत्री के समान स्नेह करते। ससुराल में अहिल्या को दो गुरुओं का सानिध्य मिला, एक उनकी सासू माँ गौतमा बाई और दूसरे उनके श्वसुर सूबेदार मल्हार राव जी होलकर। सास श्वसुर के रूप में उन्हें माता पिता ही प्राप्त हुए थे। पिता समान मल्हार राव जी अहिल्या को राज काज के पाठ पढ़ाने लगे तो माता गौतमा बाई उन्हें घर परिवार के संचालन की शिक्षा दे रही थी। अहिल्या युद्धशाला जाकर सैन्य प्रशिक्षण भी लेती और राज परिवार की रसोई का ख्याल भी रखती। इस सब के साथ ही अहिल्या की शिव भक्ति भी अनवरत चल रही थी। समय के साथ अहिल्या बाई के गुण भी धीरे धीरे सामने आने लगे। दूरदर्शिता, तीक्ष्ण बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता जैसे गुण उनमें नैसर्गिक थे। अहिल्या जैसी बहू पाकर मल्हार राव बड़े प्रसन्न रहते। अब तो वे कामकाज में अहिल्या से परामर्श भी किया करते थे। मल्हार राव जी को समय समय पर सैन्य अभियानों के लिए राजधानी से बाहर जाना पड़ता था। वे वीर बाजीराव पेशवा के भी घनिष्ठ सहयोगी थे, सो कई बार उनके साथ भी युद्ध के लिए जाया करते थे। ऐसे में राजकाज की बागडोर अहिल्या देवी ही संभालती। राज्य का वित्त विभाग तो अहिल्या देवी की निगरानी में ही होता था। वैसे तो अहिल्या देवी अपने व्यवहार में प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं, लेकिन जब वो प्रशासन का कार्य देखती तो वे एक कठोर प्रशासिका भी थी। कड़े निर्णय लेने में वे कभी हिचकती नहीं थी। एक बार उनके पति सूबेदार खंडे राव जी ने अपने वेतन का सारा कोष खर्च कर अग्रिम वेतन भी ले लिया। ये बात जब देवी अहिल्या को पता चली तो बिना संकोच के उन्होंने अपने पति पर ही जुर्माना लगा दिया और ये शर्त रखी कि जब तक जुर्माना नहीं दिया जाएगा तब तक आगामी वेतन भी नहीं दिया जा सकेगा। उस काल में अपने पति के विरुद्ध
ऐसा निर्णय लेना सरल नहीं था, किंतु अहिल्या देवी के जीवन में राज्य और प्रजा के हित व्यक्तिगत हितों से बड़े और महत्वपूर्ण थे। किंतु इस घटना के बाद उन्होंने अपने पत्नी धर्म को भी खूब निभाया। एकांत में उन्होंने अपने पति खंडेराव जी को कहा, सूबेदार जी, राज्य की कर्मचारी होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया, आपको कष्ट हुआ होगा, मुझे क्षमा करें। अब मुझे अपने पत्नी धर्म का भी निर्वहन करना है। मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने व्यक्तिगत कोष से आप पर लगाया गया जुर्माना भर सकूं। और इस प्रकार उस राशि का अहिल्या देवी ने अपने व्यक्तिगत कोष से भुगतान किया। अहिल्या देवी के जीवन में हमें कर्तव्य परायणता और पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है।